मस्तिष्क और रीढ़ की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नाम डॉक्टर सचिन तोमर, मस्तिष्क व रीढ़ के विशेषज्ञ व सर्जन। फिनिक्स स्पाइन एवं न्यूरो सर्जरी सेंटर मेट्रो प्लाजा के निकट मेरठ मॉल में स्थित, दिल्ली रोड मेरठ। यूँ तो मेरठ का हाजी इकबाल कबाड़ी है, लेकिन वह करोड़ों की नामी व बेनामी संपत्ति का मालिक है। वह बेहद आलिशान कोठी में रहता है, जहां ऐशो आराम की सभी सुख सुविधा उपलब्ध है। कोई खेती नहीं, कोई अन्य कारोबार नहीं, लेकिन चोरी व लूट के वाहनों की खरीद फरोख्त व उनके अवैध कटान से हाजी इकबाल ने बेहद ही कम अवधि में अपनी करोड़ों की यह सल्तनत खड़ी कर ली है। जाहिर बात है कि पुलिस संरक्षण के बिना, या यूं कहें कि मेरठ के सदर थाने की कृपा दृष्टि के बिना, इतना बड़ा काला धंधा चलाना संभव नहीं था। संसद में भी सवाल उठा, लेकिन कार्रवाई केवल कागजों तक ही सीमित रही। लेकिन अब पिछले कुछ समय से पुलिस और प्रशासन की वक्र दृष्टि मेरठ के सोतीगंज में चल रहे लूट व चोरी के वाहनों के स्लॉटर हाउस पर पड़ी हुई है। 7.5 के इस दौर में आज मेरठ पुलिस ने हाजी इकबाल की करीब 10 करोड़ रुपए की कीमत की 2 आलीशान कोठी कुर्क कर ली। कुर्क से पूर्व बाकायदा इलाके में मुनादी कराई गई और लाउडस्पीकर से लोगों को यह संदेश दिया गया कि बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी। देर से ही सही, लेकिन बुरे काम का नतीजा तो बुरा ही रहेगा। मैं हूँ रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। हाजी इकबाल की पटेल नगर में 29 और 30 ए नंबर की कोठी है। हाजी के खिलाफ विभिन्न थानों में 6 से ज्यादा अभियोग दर्ज हैं। चोरी व लूट के वाहनों की कटान की दुनिया का वह अघोषित डॉन माना जाता है। उसने इस काले कारोबार से कम समय में बहुत अधिक संपत्ति अर्जित कर ली है। इन सभी अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर इनकी बेनामी संपत्ति का पता लगाकर कठोरतम कार्रवाई इस काले कारोबार को समाप्त करने के लिए की जा रही है। विरोध की आशंका को देखते हुए वहां भारी पुलिस संख्या भी तैनात किया गया था। एसपी सूरज राय ने लाउडस्पीकर से यह जानकारी दी। वाहन चोरी एवं वाहन कटान जैसे गंभीर अपराध कारित करते थे हाजी इकबाल, इस गैंग का सरगना था। इसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी आपराधिक मुकदमे पंजीकृत थे। इन मुकदमों के आधार पर थाना सदर बाजार में हाजी इकबाल एवं इसके 3 पुत्र के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस मुकदमे के विवेचना के क्रम में यह प्रकाश में आया कि पटेल नगर स्थित मकान संख्या 30A और मकान संख्या 29, जिसके सामने हम आज यहां खड़े हैं, यह संपत्ति हाजी इकबाल ने एवं इसके गैंग ने अपराध करके अवैध रूप से अर्जित की थी। धारा 14(1) उत्तर प्रदेश समाज विरोधी एवं गिरोहबंद क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत इन दोनों संपत्तियों को कुर्क किया जाता है। इन दोनों संपत्तियों की कुल कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए है। इन संपत्तियों का जिला मजिस्ट्रेट मेरठ महोदय के आदेश से जब्तीकरण किया गया है। देखिए, ये हाजी इकबाल और इसके 3 पुत्र अफजाल, इमरान और अबरार, इन तीनों के विरुद्ध थाना सदर बाजार पर मुकदमा अपराध संख्या 219/21 गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत हुआ। इनका पुराना आपराधिक इतिहास काफ़ी विस्तृत है। उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी इन्होंने इन पर मुकदमे पंजीकृत थे। उन्हीं मुकदमों के आधार पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा इनके विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। और उस मुकदमे की विवेचना में ये प्रकाश में आया कि इन्होंने, इनके आय का और कोई लीगल सोर्स नहीं है, वैलिड सोर्स नहीं है, और इन्होंने अपराध करके यह संपत्ति जो है इसको अर्जित किया था। तो विधि अनुसार कार्रवाई करते हुए हमने जो धारा 14(1) है गैंगस्टर एक्ट का, उसमें इनकी इन दोनों संपत्तियों का आज जब्तीकरण किया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।